सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड वार्ड नंबर 5 में आज सुबह लगभग 7 बजे एक बच्चा को सुरसर नदी में डूबने से हुआ मौत। परिजनों के कहे के अनुसार सुबह 7 बजे अपने नानी के साथ में सुरसर नदी में नहाने गए थे, उसी समय बच्चे तेज बहाव में पानी में जाने से बच्चे को डूबने से हुआ मौत। लगभग 7 बजे से NDRF की टीम बच्चे को ढूंढे जा रहे हैं पानी के सुरसर नदी में, अभी तक बच्चा नहीं मिला है। NDRF की टीम अभी तक ढूंढ रहे हैं, लमसम 7 बजे शाम को ढूंढा लेकिन नहीं मिला। आगे अगले दिन देखते हैं NDRF की टीम क्या ढूंढ पाते हैं, लेकिन अभी देखिए उसका परिजन, उसके माता पिता क्या कहते हैं, कुछ आइए सुनाते हैं। हमारे बाबू के लग रे, हमारे बाबू अखनी तलक ना याल रे, हमारे राजा अखनी तलक। ये देख सकते हैं जो बच्चा नदी में डूबा था उसकी माता जी है, और इसकी हालत आप देख सकते हैं कितनी गंभीर है कि हम इन बयान नहीं कर सकते हैं। इतनी ज्यादा इनकी स्थिति खराब है कि कुछ भी कहना नामुमकिन है हम, क्योंकि इनसे ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं पूछ पाएंगे कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है, बोलने के कागाल में नहीं है। हमरे राजा अखनी तलक ना याल रे, घुर के रे हमर राजा, घुर के ना याल रे अपने हम राजा लंग जाई रे, हमर राजा के लब बात होई रे। इनके साथ में और कौन कौन गया था? बहुत सारे लोग थे, तो उनका बयान था उनका भी सेहत नहीं अच्छा है अभी से। हमर राजा हो, हमर राजा के लब होई हो, अकेला बवात होई हो, जंगल बने हो, हमर बाबू हमर हो, बाबू का अपने हमें आना हो, हमके ले चला हम बाबू के आना, हमके नहीं तो जाए अकेला जाए हमें अकेला जाए। देख लीजिए इनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, तो हम इनसे ज्यादा बात नहीं, बजाते हम बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा दुखद खबर है और हम इनसे बात भी नहीं कर सकते हैं, ये क्यों बात करने के हालात में नहीं है। तो बस फिलहाल हम आपको दिखा रहे थे कि जो बच्चे कि आज नदी में डूबने से मौत हुई है उनकी माता जी है, बस बात को खत्म करते हैं। मैं नहा रहे थे, जल रहा है मेरा। रावण दू दिन का मुआ जरा, रावण दू दिन का और फिर मुआ जरा मत जरा। ये देख लीजिए, ये सामने जो सोई है ये बच्चा की नानी है, जो बच्चा नदी में डूबने से जिनकी मौत हुई है बच्चे की नानी है, और ये बोलने की स्थिति में नहीं है। तो हम इनसे कुछ सवाल नहीं करेंगे, इनसे कुछ पूछेंगे नहीं, और उनके साथ में जो कुछ और महिलाएं थी उनसे हम बात करते हैं। आप उसके जो बच्चा गया था नहाने के लिए, आप लोग जो गए थे क्या बच्चा आपके साथ में था? सर हम लोग 5 मिनट पहले गए थे। अच्छा, उसके बाद बच्चा भी गया तो उसको ये बोली कि नहवाए हैं, नहवा के फिर उसको मोटरसाइकिल के पास रख दी। अब 5-6 बच्चा नहा रहा था उसी के साथ में, हो गया तो डूब गया। अच्छा, उसको हम लोग न देखे डूबा, तो कभी जिस समय डूबा तो आप लोग न देखे उसका कपड़ा चप्पल सब वही है, लेकिन वो नहा रहा था। तो आपको सूचना कैसे मिला कि बच्चा डूब गया? खोजने लगे वहाँ, मतलब ये बच्चा बोला कि हाथ देखे उसका पानी में, तो हम लोग मतलब खोजने लगे। कोई बच्चा सूचना दिया कि हम उसका हाथ देखे, मतलब पानी में डूबते तो हुए साथ में नहा रहा था, तो उसको खोजने लगे ना सब आदमी, तो न मिला। चलिए, उसके साथ में कितना बच्चा था? लमसम 5-6 आदमी बच्चा। उसके साथ वाले बच्चा सब बोला डूबते हुए चिल्लाया नहीं? बोला कि मतलब हाथ देखे हैं उसका। अच्छा, उसका हाथ देखे, जब मामा भी था, जब डूब रहे थे तभी नहीं बताया कि डूब रहा है, चिल्लाया नहीं? डूब गया तो निकलूगा नहीं, सब आदमी खोज रहे थे न मिला। चलिए ठीक, ले लेते, इतना लोग आए हुए हैं, ले लीजिए उनका, बना लीजिए 1 मिनट का वीडियो। तो देख लीजिए, इनके घर पे आए हुए हैं जो बच्चा नदी में डूबने से मौत हुई है, उनके यहाँ परिजन, मतलब काफी तादाद में लोग आए हुए हैं उनके साथ सहानुभूति प्रदान करने के लिए, उनको भरोसा देने के लिए, दिलासा देने के लिए, क्योंकि वो अभी इतना ज्यादा उसका सिचुएशन खराब है कि कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हौसला देना। तो गाँव के सारे लोग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कुछ बाहर भी है, तो ये लोग आए हुए थे गांव को और उसको तसल्ली दे रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा समस्या पैदा हो गया और वो इस चीज को झेल नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, ये छातापुर प्रखंड के वार्ड नंबर 5 का नजारा। देख सकते हैं, एक बच्चा खोया है जो कि पानी में डूबने से लापता था, पानी में डूबे थे सुबह में, आज उसके
रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर रहा है और ढूंढ रहा है, मिल तो नहीं पा रहे हैं लेकिन अपना काम जारी कर रखा है। देखिए किस प्रकार से और पानी में अपना रेस्क्यू टीम अपना काम कर रहा है, किस प्रकार से अपना काम जारी है रेस्क्यू टीम का। बच्चे को ढूंढा जा रहा है पानी में, जो डूबने से। आप देख रहे हैं हम तक न्यूज़, लाइक कमेंट शेयर करें और आप मुकेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।